जयपुर में रेप पीड़िता ने थाने में खुद को लगाई आग, अस्पताल में हुई पीड़िता की मौत। सेना के रिटायर जवान की पत्नी ने पति के दोस्त पर लगाया था रेप का आरोप, पुलिस की कार्रवाई न करने पर थाने में खुद ही आग को आग के हवाले किया। पाकिस्तान की गोलीबारी में 15 दिन की मासूम की मौत, पुंछ में सीजफायर तोड़, पाकिस्तान ने बरसाई थी गोलियां। अयोध्या केस में मध्यस्थता कमेटी की आज आखिरी दौर की बातचीत, सभी पक्षों को दिल्ली स्थित यूपी सदन में बुलाया गया। राजस्थान के पाली में रेलवे अंडरपास में फंसी कार, किसी तरह कार सवार लोगों ने बचाई जान। बिहार के बाढ़ का कहर जारी, दरभंगा में रेलवे पुल के ट्रक तक पहुंची बागमती की लहरें, समस्तीपुर दरभंगा रूट पर आवाजाही ठप। हाया घाट के पास पुल के पिलर नदी में समाये, एहतियातन रेलवे ने रोकी गाड़ियां। खगड़िया में बाढ़ की बेरहमी के बीच दर्दनाक हादसा, कोसी की लहरों में अपनी 3 साल की बच्ची के साथ बह गई एक गर्भवती मां, अब तक पता नहीं। खगड़िया में ही सवारियों से लदी नाव सैलाब में पलटी, बाल बाल बचे मुसाफिर, तैरकर बचाई जान। कटिहार में गंगा के तेज बहाव में फंसा स्टीमर, अटकी रही 300 यात्रियों की सांसें, सभी का सुरक्षित रेस्क्यू। राजस्थान के पाली में नदी की तेज धार में बह गया शख्स, काफी मशक्कत के बाद बची जान। राजस्थान के बारा में उफनती पार्वती नदी, गांव में घुसी, दर्जनों गांव में भरा पानी, आफत में लोग। परवन नदी में उफान से बंद हुई कई रास्ते, पुल के ऊपर चढ़ी पानी की लहरें। कोटा में नहीं थम रहा आसमानी कहर, मूसाधार बारिश से शहर में कंधे तक भरा पानी, छतों पर लोगों ने ली शरण। कोटा में लगातार बारिश से डैम पर बढ़ा दबाव, खोले गए 5 गेट, निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के बहराइच में सवारियों से भरी नाव बीच मलधार पलटी, एक महिला डूबी, 2 बहे, तलाश जारी। सुकमा में 72 घंटे की बारिश से जिंदगी हुई बेदम, 60 से ज्यादा गांव में भरा पानी। मध्यप्रदेश के शाहजहांपुर में भारी बारिश से बढ़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने एनडीआरएफ को किया अलर्ट। राजगढ़ में बारिश से सुकड़ नदी में उफान, कई गांव डूबे, सैलाब में बहे 2 खेतों में घुसा पानी। सीहोर में बारिश से शहर की सूरत हुई बदहाल, सड़कों पर नदी की लहरों का तेज कब्जा, तेज धार में बह गई पिकअप वैन। शिमला में मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी, अस्पताल में भरा पानी, झोपड़ी बनी तालाब, मरीजों की आफत। जम्मू कश्मीर के रजौरी में भारी बारिश से हालात बेकाबू, नदियां खतरे के निशान के पार, प्रशासन अलर्ट पर। असम के बारपेटा में ब्रह्मपुत्र और बेकी नदी का खौफ, सैलाब में डूबने से 1 की मौत। असम में बारिश थमने के बाद भी नदियों में खतरनाक स्तर तक उफान, चिरांग के नालभंगा में तेजी से कर रही है कटाव। असम के नलबाड़ी में पानी के थपेड़ों से धराशायी हुआ बांस का पुल, कई गांवों से कटा संपर्क। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में सियासत तेज, अखिलेश यादव ने जताया साजिश का शक, सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस और एसपी के नेताओं ने अस्पताल जाकर पीड़िता का जाना हाल, बीजेपी से कोई मंत्री नहीं पहुंचा अस्पताल। कल उन्नाव रेप कांड की पीड़िता कार का हुआ था एक्सीडेंट, ट्रक कार की टक्कर में चाची और मौसी की मौत, पीड़िता और वकील की हालत गंभीर। ट्रक की नंबर प्लेट से 6-4, पीड़िता के साथ गाड़ी में नहीं मौजूद था कोई सुरक्षाकर्मी, पुलिस ने जांच के दिए आदेश। पीड़िता के परिवार ने लगाया बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेगर पर हत्या कराने का आरोप, बोले कई दिन से मिल रही थी धमकियां। यूपी के चंदौली में जय श्री राम नहीं बोलने पर नाबालिग को जिंदा जलाने की कोशिश, आरोपियों ने पहले पीटा फिर लगाई आग। गंभीर हालत में युवक वाराणसी में अस्पताल में भर्ती, कहा जय श्री राम नहीं बोलने की मिली सजा। पुलिस ने पूरे मामले को बताया संदिग्ध, कहा तंत्र मंत्र में आग लगने की आशंका। जयपुर के एक अस्पताल में लगी आग, आईसीयू में भरा धुआं, आईसीयू में भर्ती थे 25 बच्चे, आनंद फानंद में किया गया शिफ्ट। मुंबई में दोस्त ने किया दोस्त का कत्ल, जन्मदिन की पार्टी बुलाकर किया खून, मामला आपसी रंजिश का। बिहार के पाकुड़ में 11वीं की छात्रा से गैंग रेप, दोस्त ने धोखे से बुलाकर वारदात को दिया अंजाम। हरियाणा के पलवल में घर में घुसकर एक शख्स ने किया छलनी, पुलिस के मुताबिक मामला गैंग वॉर का, 3 के खिलाफ मामला दर्ज। ऊना हाईवे के किनारे एक शख्स की लाश से सनसनी, पुलिस के मुताबिक मृतक के गले में बंधा मिला लाल पट्टा, हत्या का शक। अमेठी में रिटायर्ड फौजी अफसर की हत्या, घर में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने मारी गोली, बदहाल कानून व्यवस्था पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। नागपुर में एक ड्राइवर को बेरहमी से पीटने की तस्वीर वायरल, करीब आधा दर्जन लोग उल्टा लटकाकर बरसा रहे थे कोड़ा। दिल्ली में धरा गया कार चोर, 11 कारें बरामद, कई चोरियों का खुलासा। राजस्थान के करौली में लड़की को अगवा कर किया रेप, बाद में 40,000 में बेचने के आरोप में 2 गिरफ्तार। नोएडा में पुलिस का सफाई अभियान जारी, 4 बदमाशों को दबोचा,
जिसमें दो गैंगस्टर दो शराब माफिया शामिल। पुणे में एक मां ने अपने तीन बच्चों के साथ की खुदकुशी, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी कन्नौज में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने को लेकर चली गोलियां, दो लोग हुए घायल। राजस्थान के धौलपुर में बदमाशों ने घर में लगाई सेंध, लूटपाट कर हुए फरार। यूपी के शाहजहांपुर में दो गुटों में हिंसक झड़प, फायरिंग में चार जख्मी। यूपी के शामली में एक मंचले की शामत आई, छेड़खानी करने पर महिलाओं ने जमकर की पिटाई। राजस्थान के अलवर में पारिवारिक विवाद में महिला की हत्या, पेड़ काटने पर हुए झगड़े में जेठ जेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। मध्य प्रदेश के सागर में बच्चा चोरी के शक में एक महिला को भीड़ ने पीटा, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाई महिला की जान। मध्य प्रदेश के खरगोन में बच्चा चोर की अफवाह में दो लड़कों की बनाई भीड़ ने बांधकर बरसाए लाद खूसे। कानपुर में दिखी दारोगा की गुंडाई की वीडियो वायरल, मोबाइल नंबर पूछने पर एक शख्स की जमकर पिटाई। अजमेर पुलिस ने टैक्सी लुटेरे गैंग को पांच बदमाशों ने पकड़ा, तीन लग्जरी कार बरामद। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार, विदेशी महिला को चूना लगाते धरा गया बदमाश। दिल्ली में बेकाबू होंडा सिटी डिवाइडर से टकराई, पांच में से दो कार सवार की मौके पर मौत। बस्ती में सड़क हादसे में एक कांवड़िए की मौत, दूसरा नदी में नहाने के दौरान डूबा। मुंबई के वसई में दुकान में लगी भीषण आग, बगल वाली दुकान में भी आग, आग की वजहों की जांच। दिल्ली के नागलोई में सिलेंडर ब्लास्ट में महिला की मौत, चार जख्मी, लीक होने के बाद हुआ धमाका। इंदौर में खेल खेल में गई बच्चे की जान, एक बच्चे ने दूसरे के मुंह में कम प्रेशर की नली लगाकर किया ऑन। कर्नाटक में सत्ता का नाटक पार्ट टू, आज सदन में येदियुरप्पा साबित करेंगे विश्वास मत, शुक्रवार को ली थी सीएम पद की शपथ। बीजेपी रख रही फूक फूक कर कदम, फ्लोर टेस्ट से पहले सभी विधायकों ने होटल में गुजारी रात। स्पीकर के अयोग्य करार दिए जाने पर तीन बागी आज जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ने सभी 17 विधायकों को घोषित किया अयोग्य। बागियों के अयोग्य करार दिए जाने के बाद येदियुरप्पा के लिए फ्लोर टेस्ट हुआ आसान, सदन में बचे 207 विधायक, विश्वास मत जीतने के लिए चाहिए 104। फ्लोर टेस्ट से पहले बोले येदियुरप्पा, मुझे अपनी जीत का पक्का भरोसा। लोकसभा में बदजुबानी मामले में आज बिना शर्त माफी मांग सकते हैं आजम खान, सदन शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर के सामने पेशी। आजम खान पर लोकसभा स्पीकर लेंगे आखिरी फैसला, तीन तलाक बिल पर बहस के दौरान सांसद रमा देवी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। आजम खान की मुश्किलें बरकरार, लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज 15 में से 13 मामलों में चार्जशीट दाखिल। निजी संपत्ति जब्त नहीं किए जाने की विजय माल्या की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कांग्रेस के मुखिया की कुर्सी खाली पर जताई चिंता, कहा इससे पार्टी को नुकसान। कर्नाटक के बाद मध्यप्रदेश पर बीजेपी की नजर, पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले हिट विकेट हो सकती है एमपी सरकार। ममता बनर्जी ने आज बुलाई पार्टी की अहम बैठक, प्रशांत किशोर पहली बार करेंगे शिरकत। अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेताओं की कल बैठक, घाटी में हालात के साथ विधानसभा चुनाव पर चर्चा की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में 10,000 जवानों की तैनाती के फैसले पर घाटी में सियासी भूचाल, महबूबा ने कहा 35-1 को छूना बारूद से खेलने जैसा। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का खतरा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने आला अफसरों संग की बैठक। एमएनएस और एनसीपी में गठबंधन के सवाल पर बोले शरद पवार, एमएनएस नेताओं ने विधानसभा चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर आवाज उठाने के लिए भी की थी मुलाकात। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ पहुंचे, टेका माथा, किया पूजा पाठ। विदेशी दौरे पर रवाना हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बेनिन, जाम्बिया और गिनी का करेंगे दौरा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 8 अगस्त को मिलेगा भारत रत्न पुरस्कार, राष्ट्रपति भवन में मिलेगा सम्मान। रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी विवेक जौहरी होंगे बीएसएफ के नए डीजी, 31 अगस्त को संभालेंगे पदभार। सांवर के दूसरे सोमवार मंदिर में उमड़ी भारी भीड़, हरिद्वार में करीब 3 करोड़ कांवड़ियों के जलाभिषेक करने की उम्मीद। अयोध्या में हर हर महादेव की गूंज, नागेश्वर मंदिर में जुटे श्रद्धालु। कानपुर में भी बम बम भोले की जयकारे, सावन के दूसरे सोमवार पर विशेष पूजा। गोरखपुर के झारखंडी शिवा मंदिर में भोले के भक्तों का जमावड़ा, शिव की भक्ति में रमे लोग। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में लगी लाइन, हजारों भक्त चढ़ा रहे हैं जल। वाराणसी में सावन के दूसरे सोमवार में भोले को जल चढ़ाने मंदिर में उमड़े भक्त, कांवड़ियों का फूलों से किया गया स्वागत। वाराणसी में कांवड़ियों पर पुलिस प्रशासन की ओर पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर से स्वागत में बरसाए गए फूल। साउथ दिल्ली के कांवड़ शिविरों की सीसीटीवी से निगरानी, कलिंदी कुंज में कांवड़ियों की सुरक्षा में निजी कंपनी के गार्ड तैनात। यूपी के शामली में नंदी बैल की मूर्ति के दूध पीने का दावा, दूध पिलाने के लिए मंदिर में लगी भारी भीड़। हरिद्वार ने पेश की चार भाइयों ने अद्भुत मिसाल, शिव भक्तों के लिए मुस्लिम भाइयों ने किया शिविर का आयोजन। मेरठ में भी कांवड़ियों की सुरक्षा का खास इंतजाम, ड्रोन से होगी निगरानी। दूसरे सावन पर दिल्ली में कांवड़ियों
कि कैंप्स के खास इंतजाम, कांवड़ कैंप में श्रद्धालुओं ने बनाया बर्फ का शिवलिंग। छत्तीसगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, बस्तर में पुलिस नक्सलियों से मुठभेड़, साफ नक्सली ढेर। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में मिला तेंदुए का शव, चश्मदीदों के मुताबिक नदी में बहकर आया शव, वन विभाग ने किया अंतिम संस्कार। दिल्ली के आयशा ने देश का नाम किया रोशन, एशियन कॉन्टिनेंटल रोप स्किपिंग चैंपियनशिप में जीते 2 गोल्ड। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए टीम इंडिया अमेरिका रवाना, 3 तारीख से वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज शुरू। वेस्टइंडीज दौरे की टीम इंडिया में चुने गए श्रेयस अय्यर बोले, टीम से बाहर होने पर मुश्किल होता है धैर्य बनाए रखना। भारत ए में वेस्टइंडीज ए को पहले अनऑफिशियल टेस्ट में 6 विकेट से दी मात, शाहबाज नदीम ने दोनों पारियों में किए 5-5 शिकार, बने मैन ऑफ द मैच। जापान के केंटो मोमोटा ने जीता जापान ओपन का बैडमिंटन खिताब, फाइनल में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 21-16, 21-13 से हराया। निकोलास बेसिलाश्विली ने जीता हैम्बर्ग ओपन का खिताब, फाइनल में रूस के रूबलेव को 3 सेट्स में दी मात। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।